प्रिय पाठकगण, पतंजलि आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक बड़ा ही महत्वपूर्ण खंड की चर्चा करने जा रहे हैं, और वह खंड है झारखंड के भूमि संबंधी कानून के अंतर्गत छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी एक्ट 1908। इस टॉपिक से हम आपको 50 प्रश्न दे रहे हैं। आपने इस टॉपिक को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, परंतु अगर आप 50 प्रश्नों को हल कर लेंगे तो आपका सारा रास्ता कहे तो सीएनटी स्वाहा, अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आज इन्हीं प्रश्नों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। सीएनटी अध्याय से जो जुड़े हुए हैं, सो सबसे पहले तो एक सेकंड के लिए आपका टाइम लेंगे, क्योंकि मेरा हथियार अभी गायब है, कहीं से ले लेने दीजिए पेन। और उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है आपके पास, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम से 50 प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। इन प्रश्नों को हल करने के बाद कोई प्रश्न इससे नहीं छूटेगा, हम एकदम दावे के साथ बोल रहे हैं। जिस दिन एग्जाम देकर के आइएगा उस दिन एक बार जरूर इस पर हम चर्चा करेंगे। नंबर वन क्वेश्चन कहता है, झारखंड में पुत चई हड़िया पेय पदार्थ पर लगाया गया कर कब अधिरोपित किया गया। मैंने आपको बोला था पिछली कक्षाओं में, ठीक है, कि यह जो हड़िया पदार्थ है यह आदिवासियों के धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। धार्मिक परंपरा मतलब जब कोई नया फसल तैयार हो तो वे अपनी देवताओं पर इसे अर्पण करते हैं, और अंग्रेजों ने इनके इस प्रथा के ऊपर जब टैक्स लगाया तो आदिवासियों को धार्मिक रूप से आहत करने वाली बात थी। ठीक है, हमारे पास चैट में कुछ आंसर आए हैं। राहुल कुमार 1824, पीके सिंह 1824, खुश कश्यप आशा आल्सो 1824, ठीक है, और कोई गुंजन जयशंकर, तिलक चंद्र नायक, चलो ठीक है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, लगभग लगभग उत्तर आ गया। 1824 की यह घटना है। सच्चाई यही है कि अंग्रेजों ने 1824 में इस बात का घोषणा किया था कि यहां के परंपरागत आदिवासी समाज के अंतर्गत जो हड़िया नामक पेय पदार्थ है उसके ऊपर एक कर की वसूली की जाएगी, और इस कर को साधारणतः किस नाम से बुलाया जाता था, तो पुत चई कर के नाम से बुलाया जाता था। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके पास है कि सीएनटी एक्ट 1869 में किस प्रकार की भूमि की सर्वे किया गया। ठीक है, आपके पास ऑप्शन नंबर वन है रैयती भूमि, दूसरा कुड़कर भूमि, तीसरा मझियस भूमि, और चौथा भूहरी भूमि। अब हम आपको बताए हैं कि मुंडाओं के द्वारा गांवों को साफ करके जो विकसित की जाती थी भूमि, उसे हम खुटकट्टी भूमि बोलते थे। उसे क्या कहते थे? खुटकट्टी भूमि कहते थे। कोड़कर भूमि मतलब गांव का कोई परती या टाँड जमीन होता था। इस टाँड जमीन को लोग अगर काट करके समतल बना दें तो उस भूमि को कोड़कर भूमि कहा जाता था। उसके लिए लगान के लिए एक अलग सेटलमेंट ही किया गया था। और तीसरा जो है भूहरी भूमि, भूहरी भूमि का मतलब यह होता था कि उराओं के द्वारा जो जमीन विकसित किया गया, जो सामूहिक जमीन विकसित की गई, उसे हम लोग भूहरी का नाम देते थे। रैयती भूमि जब कोई जमींदार से कोई रैयत जमीन का अधिकार पट्टा के जरिए प्राप्त करता था तो हम उसे रैयती भूमि कहते थे। अब आपका आंसर देखने का समय आ गया है, बहुत लोगों का आंसर आ चुका है, 18 लोग इसमें आंसर दिए हुए हैं, डी डी डी, ठीक है। इसमें राहुल कुमार सॉरी मझियस भूमि चिन्हित करने हेतु भूमिहारी भूमि का सर्वे। चलिए ठीक है, इस ऑप्शन में आइए, ठीक है, मझियस भूमि को चिन्हित करते हैं तो ठीक है, आगे बढ़िए। और किसी का आंसर इसमें नहीं बढ़े हैं हम लोग, डी डी गुंजन डी, चलो ठीक है। देखो वास्तव में यह भूहारी भूमि का सर्वे था,
लेकिन भुईहारी भूमि के भीतर भी एक विशेष प्रकार की भूमि थी जिसे हम लोग मझियस भूमि कहते थे। तो अब यहां पर क्या है कि ये सर्वे जो है इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी ही होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी जो था वो भुईहारी भूमि के लिए ही ये प्रावधान किए गए थे। भुईहारी भूमि के भीतर का एक पार्ट है, इसलिए इसका आंसर मझियस भूमि तो नहीं होगा, ये भुईहारी भूमि का सर्वे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में अनुसूचित जनजाति के भूमि के संरक्षण हेतु मझियस भूमि को चिन्हित करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? फादर हॉफमैन, चार्ल्स विलिकिंस, बाबू राय चौधरी और बाबू रखालदास हल्दर। क्या उत्तर होगा जी? देखिए आंसर आ रहा है, देख ही रहे हैं हम भी। तिलक चंद्र नायक डी, सूरज प्रसाद डी, अमृता डी, रेखा डी। चलो जो लोग पढ़े हैं उनको तो ये बात पता ही है। इन चारों ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल क्या पता होना चाहिए? पहला, फादर हॉफमैन को सीएनटी का पिता कहा जाता है। चार्ल्स विलिकिंस का नाम सीएनटी से जुड़ा ही हुआ नहीं है, इनके नाम पर कोल्हान क्षेत्र में विलिकिंसन रूल लाया गया था, इसीलिए इनसे इनका कोई कनेक्शन नहीं है। बाबू राय चौधरी, ये दरअसल उस समय बंगाल के एक जमींदार थे, इनका झारखंड से कोई कनेक्शन नहीं है। बाबू रखालदास हर, छोटनागपुर टेन्योर सेक्ट 1869 के पारित होने के पहले इन्हीं को अपॉइंटमेंट किया गया था कि जो है सो आप इस भूमि को चिन्हित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, छोटनागपुर भू स्वामी एवं अभिधारी प्रक्रिया अधिनियम कानून कब निर्मित किया गया? यह भी आसान प्रश्न है। अभी हम सारा प्रश्न आपके साथ आसान ही रखे हैं, मतलब इसका आंसर कितना होना चाहिए? देखिए किसका किसका आंसर आ रहा है। डी 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 बी 1869। वैसे ईयर लिखोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है? इसका सही उत्तर है राहुल कुमार 1879। बुलबुल गलत उत्तर है, गलत उत्तर है, ठीक है? देखो हम तुम लोग को बताए हैं कि सीएनटी के आने के पहले तीन कानून सबसे महत्वपूर्ण थे जो विकसित किए गए। कौन कौन? तो एक का नाम था छोटनागपुर, छोटनागपुर टेन्योर्स एक्ट, ये 1869 में आया। छोटनागपुर लैंड प्रोसीड्यूर एक्ट जो था इसे लाया गया 1879, इसी कानून की हम बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है? और इसके अलावा एक कानून आया था बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो 1897 की बात है। तीन कानून बहुत महत्वपूर्ण थे सीएनटी आने के पहले, सीएनटी के पहले इनकी भूमिका बहुत मजबूत मानी जाती है, किसने सीएनटी को तैयार करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। संतोष जी 1879, बहुत लोग शिला 1869, तिलक चंद्र नायक 1879, मतलब 1879 इसका नाम है। एकदम संक्षिप्त में याद रखो, छोटनागपुर भू धृति अधिनियम, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं छोटनागपुर टेन्योर एक्ट। तो छोटनागपुर जो भू धृति अधिनियम है वो है 1869 में जो रखालदास हल्दर के सर्वे में आया, और उसके बाद इसी को संशोधित रूप देने के लिए छोटनागपुर लैंड प्रोसीड्यूर एक्ट 1879 में आया। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी है 1879। अब देखो तीसरा क्वेश्चन पूछता है, सीएनटी एक्ट 1908 जो लागू हुआ है कानून, इस कानून के अंतर्गत भूमि के प्रकार हैं, कौन कौन सी भूमि इसमें शामिल की गई है, सीएनटी के दायरे में कौन कौन सी भूमि आती है? ऑप्शन ए कहता है मुंडारी, ऑप्शन बी कहता है खुटकट्टी, ऑप्शन सी भुईहरी एवं कोड़कर, और चौथी में ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखिए डी डी डी, अरे वाह सूरज, तो तुम दो बार डी डी लिखे हो जी, डी। कौन लोग आंसर नहीं दे रहे हैं हम भी देख रहे हैं, कम से कम आपको गलत सही उत्तर जाना चाहिए। गुंजन ऑल, ठीक है? रंजीत सिन्हा ऑप्शन डी सही आंसर है, ठीक है? मतलब हम लोग का ऑप्शन डी मुंडारी, खुटकट्टी, भुईहरी और कोड़कर, ये चार मुख्य भूमि थे, और इन चारों मुख्य भूमि को सीएनटी में शामिल किया गया है और उसी के आधार पर गया है। यानी
सीएनटी के अंतर्गत शामिल भूमि है मुंडारी, भुईहरी एवं कोडकर, खुटकटी एवं उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, देखो अभी तुरंत हमने आपको क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन आ भी गया। सीएनटी एक्ट 1908 के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम। कौन है? फादर ऑफ छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम, कमिश्नर फोवर्स, रखालदास हल्दर, लॉर्ड कॉर्नवालिस और फादर हॉफमैन। चल रहा है डी। अभी तुम लोग का और परीक्षा होना बाकी है, अभी तो आसान आसान प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है? जो हमने कम से कम 20 बार लेक्चर के दौरान जिन प्रश्नों को रिपीट किया है, चलो हॉफमैन। लेकिन फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन है कि तुम लोग पढ़े हो और लगभग लगभग एक ही क्वेश्चन में ज्यादातर आप लोग का गलत गया, जो छोटनागपुर लैंड प्रोसीड्योर एक्ट वाला था उसमें ज्यादातर लोग आंसर गलत जा रहे थे, बाकी सबका ठीक ठाक चल रहा है, एकदम गुड। गुंजन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा एक और ट्विस्ट आ रहा है, 7 नंबर। सीएनटी एक्ट 1908 किसी भूधृति से किस प्रकार के भूमि अधिग्रहण की मंजूरी देती है? भूधृति मतलब भू को धारण करने वाले, जमीन को धारण करने वाले, मतलब किसी काश्तकार या किसी रैयत से किस प्रकार की भूमि, किस कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण की जा सकती है? ऑप्शन ए कहता है उद्योग एवं रेलवे के लिए सरकार भूमि ले सकती है, सीएनटी भूमि जब्त कर सकती है, खनन एवं एजुकेशनल प्रोजेक्ट के लिए ऐसा कर सकती है, फिर कहता है उद्योग एवं खनन के लिए कर सकता है, या डी किसी भी स्थिति में कोई भी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। क्या आंसर आ रहा है आप लोग का? देखिए बी, बी ज्यादातर लोग का आंसर बी के तरफ है, ठीक है बी। बी महाराजा गुप्ता, बी मृत्युंजय जी, ए गड़बड़ा गए मृत्युंजय जी, आंसर बी है सही आंसर, ठीक है। देखो यहां क्या हम लोगों को समझना है, ठीक है, हमने आपसे कहा है कि जो मूल कानून बना था, जयशंकर प्रमाणिक जी ऑप्शन बी सही है, जो मूल कानून बना था उस मूल कानून में कहा गया था कि इंडस्ट्री उद्योग और माइंस खनन दो चीजों के लिए सीएनटी एक्ट के तहत सरकारें भूमि का अधिग्रहण कर सकती हैं। बाकी के जो भी आप वर्ड देखें, क्या क्या शैक्षणिक प्रयोजन, ठीक है, या रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, ये 2016 में रघुवर दास की सरकार ने एक परिवर्तन किया था और इसमें कहा था कि सरकारें ट्रांसमिशन लाइन के लिए, एजुकेशनल प्रोजेक्ट के लिए, हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए ऐसे कारणों से चाहे तो वो जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन ये संशोधन वापस लेना पड़ा। तो ले देकर के अभी का भी सीएनटी का प्रोविजन यही कहता है कि सरकार न तो रेलवे के लिए जमीन अधिग्रहण कर सकती है और न ही एजुकेशनल प्रोजेक्ट के लिए, अगर जमीन का अधिग्रहण होगा तो सिर्फ और सिर्फ जो है वह किसके लिए होगा? उद्योग एवं खनन के लिए, माइन सेक्टर के लिए। बोलिए आशा कुमारी, रेज हैंड, हाथ उठाई है, क्या क्वेश्चन है आशा, बोलो कि गलती से हाथ उठ गया है, लगता है ये हाथ गलती से उठ गया है या बगल में बैठे बच्चे ने उठा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारों के हितों का संरक्षण किस अध्याय का महत्वपूर्ण विषय है? याद कीजिए, कल इसको बार बार बोले थे कि यहां से प्रश्न आएगा तो अध्याय में ही आएगा। ये देखिए आंसर 18, 14, 3, 5 18, जयशंकर, राहुल, रंजीता, ठीक है, ए 18, ठीक है आंसर। हम तुम लोग को बता ही थे कि पूरे सीएनटी को पढ़ने के बाद अंत में थोड़ा सा मुंडारी खुटकटीदारी भूमि के लिए स्पेशल प्रोविजन की कुछ जगह दी गई है, ठीक है, मधुचंदा कुमारी 18, ठीक है। तो अध्याय 18 में है, हमने बार बार इस बात को रिपीट किया था
कि अगर कोई भी मुंडारी खुटखटीदारी से क्वेश्चन पूछता है तो अध्याय पूछता है, मतलब पूरे सीएनटी में अगर कोई एक अध्याय पूछेगा, क्योंकि पूरा सीएनटी कितना अध्याय में बटा हुआ है, 19, और कितने धारा में बटा हुआ है, तो 271। तो अगर किसी अध्याय पर कोई प्रश्न बनता है या पूछा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ यही अध्याय है, सही उत्तर है, ठीक है, ए, 8 का ए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अभी बहुत क्वेश्चन है। ये क्या गया जी बीच में, ये तो केबीसी का क्वेश्चन हो गया जी, बीच बीच में ऐड भी आ रहा है। 9 नंबर, ठीक है, धारा 1 के तहत छोट नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रसार क्षेत्र झारखंड के किन प्रमंडलीय भूभागों पर नहीं है। मैंने अभी भी शुरुआत किया था तो आपसे चर्चा किया था, उत्तरी एवं दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू एवं कोल्हान, संथाल परगना, इनमें से कोई नहीं। देखिए देखिए, शीला कुमारी सी सी सी, ये तो सिटी मार रही है पूरा का पूरा। चलिए संतोष जी सी, ठीक है, सबका उत्तर सही है। मतलब देखिए, उत्तरी छोटनागपुर, दक्षिणी छोटनागपुर, पहले यह एक प्रमंडल था, बाद में बटा तो उत्तरी छोटनागपुर में और दक्षिणी छोटनागपुर में हुआ। बाद में हम लोग जानते हैं कि दक्षिणी छोटनागपुर से पलामू अलग हुआ है और उत्तरी छोटनागपुर, दक्षिणी छोटनागपुर से ही पलामू और कोल्हान दोनों अलग हुए, तो सारे प्रमंडलों में लागू है, यानी कुल मिला जुला करके आपको उत्तरी एवं दक्षिणी छोटनागपुर में लागू है, संथाल एवं कोल्हान में लागू है। केवल संथाल परगना एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में सीएनटी नहीं है, वहां पर दूसरा कानून चलता है और उसे हम लोग कहते हैं एसपीटी, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। जैसे छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट है, उसके लिए संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 एक्ट है, इसीलिए उसका प्रोविजन अलग रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 3 के तहत अगर कोई रैयत उधार या कर्ज ले और कर्ज अवधि के दौरान भूमि संबंधी समग्र लाभ से वंचित कर दिया जाए तो वह रैयत कहलाएगा। फटाफट आंसर दीजिए, डी श्वेता कुमारी, कनक डी, आकांक्षा सी डी, बुलबुल ठीक है ठीक है ठीक है, एक ही दो लोगों का अभी तक गलत गया है आंसर, बाकी आंसर हम देख रहे हैं ठीक। तिलक चंद्र नायक डी, शीला डी, इतना हड़बड़ाहट में लिख रही है शीला की, डबल डी ट्रिपल सी एकदम आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, कम से कम अंदर की जिज्ञासा फुट फुट के बाहर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम लोगों ने धारा 3 में क्या पढ़ा है, सीएनटी के धारा 3 में शब्दों की परिभाषा है, प्रमुख शब्दों को परिभाषित किया गया है और इस परिभाषा में कहा गया है कि अगर कोई रैयत, रैयत का मतलब किसान, कर्ज ले, ठीक है, कर्ज ले और कर्ज अवधि के दौरान वह भूमि संबंधी समग्र लाभ से वंचित कर दिया जाए। मैं बार बार बोलता हूं, पलामू में इसको पॉपुलर वर्ड में रेहन कहा जाता है, कि जमीन को रेहन रख देना, ठीक है, उसी को सीएनटी एक्ट के धारा में भुगत बंध बंधक रैयत के नाम से उसे बुलाया जाता है। मतलब जमीन के बदले हम पैसा लिए तो जमीन को न जोतेंगे न उस पर फसल उगाएंगे, बल्कि जो आदमी वो खेत परती भी नहीं रहेगा, जो आदमी आपको पैसा दिया वह आपके जमीन पर उत्पादन का अधिकार रखता है, ये पॉइंट इसमें शामिल किया गया है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, भुगत बंध बंधक, परिभाषा का ही पेटेंट क्वेश्चन है। परिभाषा में अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो ग्राम मुखिया भुगत बंध रैयत, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, धारा 10 के बाद धारा 11, 11 नंबर क्वेश्चन, धारा नहीं, अगर भूस्वामी द्वारा भूधृति के साथ लगान के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी आरोपित कर दी जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, यहां आपका टेस्टिंग होगा, कुछ अनुभवी लोग इसमें काम आएंगे। देखिए सुमित आंसर को लेकर आ रहा है बी, ठीक है, महाराजा गुप्ता बी बी, ये बी तो गया, हम समझ गए बी, जयशंकर जी ठीक है, वैभव भारती जी बी सही उत्तर है, ठीक है, क्योंकि अगर भूस्वामी द्वारा
भूस्वामी, भूस्वामी कौन है? जमींदार। भूधृति मतलब जो जमीन जोता है, काश्तकार या किसान। भूधृति के साथ लगान के अलावे, कि जमीन पर लगान के अलावे कोई अतिरिक्त शर्त भी आरोपित किया हो तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे जंगम तो कहा नहीं जाएगा, जंगम तो कल ही बता रहे थे कि अचल संपत्ति को बोलते हैं। पारितोषिक शर्त हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा कोई इस कानून में प्रोविजन ही नहीं है कि किसी को पारितोषिक शर्तें आरोपित किया जाए। और जब ये दोनों होंगे नहीं तो डी होगा नहीं, तो आंसर तो होना ही है, अस्थावर शर्त कहते हैं। मतलब किसान और जमींदार के बीच जमीन के बदले लगान का जो एग्रीमेंट होगा, इस एग्रीमेंट में ठीक है, अगर कोई एडिशनल कंडीशन है तो वह अस्थावर शर्त के नाम से जाना जाता है। सबसे आसान क्वेश्चन, सीएनटी एक्ट 1908 में धारा 3 के तहत भूस्वामी का मतलब क्या है? कौन भूस्वामी माना जाता है? जमींदार, राज्य सरकार, ग्राम मुखिया या इनमें से कोई नहीं? देखिए आंसर क्या आ रहा है। स्नेहा ए, बुलबुल ए, राहुल जी ए, ठीक है, कोई तो ये छोड़ के दूसरा लगाए नहीं, कोई नहीं लगाएगा, सबका यही है। ठीक है, चलो, सीएनटी एक्ट 1908 में जमीन का स्वामी अगर कोई है, भूस्वामी कोई है, तो जमींदार है। ऐसे काश्तकार जो किसी रैयत के अधीन रहकर काश्तकारी करे और लगान के भुगतान करे क्या कहलाते हैं? 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर अब बढ़ाइए। बोर्ड साफ नहीं दिख रहा है, आपके अपील पर तुरंत सुनवाई किया जा रहा है। सीएनटी एक्ट थोड़े ना कि लेट से सुनवाई होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि ऐसे काश्तकार जो किसी रैयत के अधीन रहकर काश्तकारी करें और लगान का भुगतान करें क्या कहलाएंगे? आप इस कंडीशन को ऐसे समझिए, जमींदार से जमीन हमने लिया 10 एकड़ का पट्टा कि हम आपको लगान वसूलेंगे, लेकिन हम 10 एकड़ पर खेती नहीं किए, बल्कि उनमें से 2 एकड़ जमीन अपने बगल वाले को दे दिए, ठीक है, कि आप जोतिए। वह आदमी भी खेत को जोत करके, खेत में फसल उगा करके जो निर्धारित लगान है वो भुगतान करे, तो उस रैयत को क्या कहा जाएगा? अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत, दर रैयत या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर है आप लोग का? देखें, इसका आंसर किसी के द्वारा दिया जाए तो बोलिए। आंसर आना शुरू हुआ है अभी। उमाकांत जी बी, गलत उत्तर है। संतोष जी सी, मधुचंदा सी, कुश कश्यप जी कुछ लिखते लिखते रुक जा रहे हैं, आगे लिखिए। आकांक्षा सी, स्नेहा सी, उसे दर रैयत कहते हैं। इतना आसानी से मैंने कितना बार आपको समझाया है कि सीएनटी में 3 रैयत हैं, अधिभोगी, अनाधिभोगी और दर रैयत। अधिभोगी, जमीन हमने पट्टा पर लिया, खेती किया, लगान का भुगतान किया। अधिभोग का मतलब, भोगना मतलब क्या होता है, उस पर अपना अधिकार प्राप्त करना, अधिभोग करना। अनाधिभोगी, जमीन तो हम पट्टा पर लिए हैं लेकिन हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, मेरे अधिकार में नहीं है। और तीसरा कंडीशन कहता है कि इस संदर्भ में, हाँ, तीसरा कंडीशन दर रैयत, मतलब जब किसी रैयत के भीतर रैयत रहे तो उसे दर रैयत कहते हैं। रैयत और काश्तकार, ये दो वर्ड को तो घोंट के पी जाओ, कि इन दोनों का मतलब एक ही होता है, और वो मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ किसान। रैयत और काश्तकार का मतलब है किसान। तो यहां पर याद रखना है कि एक किसान के भीतर जब कोई किसान काम करे तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, एक किसान के भीतर काम करने वाले को दर रैयत कहते हैं। चलो, राइट आंसर के बाद आगे बढ़ते हैं। और 13 नंबर का सही उत्तर क्या गया जी? 13 नंबर का सही उत्तर था सी। कहता है कि जब कोई व्यक्ति मुंडाओं के खूट परंपरा से भूमि के अधिभोग का अधिकार ग्रहण करे तो क्या कहलाएगा? भूहरी रैयत, खूट कट्टी रैयत, कोड़कर रैयत या इनमें से कोई नहीं? उत्तर आना शुरू हो गया है। बी, वैभव जी बी, दीपा बी, रेखा जी बी, स्नेहा बी, आकांक्षा बी। चलो,
ट्रेंड सेट हो गया कि अब भी ही जाएगा। यानी इसके लिए हम आपको क्या समझाए थे एक मिनट के टाइम में, उसे फिर से समझ लीजिए। हम आपको बताए थे पूर्व के क्लास में कि मान लीजिए कहीं बाहर से चल करके मुंडाओं का एक समूह इधर आ रहा है, तो ये आ रहा है तो एक झुंड यहां बस गया जंगल काट करके, एक झुंड यहां बस गया, एक झुंड ऐसे बस गया, तो कई अलग अलग समूह में आए। जो मुंडा यहां पर बस गया यही मुंडा के द्वारा क्या किया गया, बगल में जनसंख्या बढ़ाते एगो मोहल्ला इधर सेट किया गया, एगो मोहल्ला इधर सेट किया गया, एक मोहल्ला इधर सेट किया गया। हम लोग इसको कहते हैं टोला, पाठक टोला, हरिजन टोला बोलते हैं ना, कुम्हर टोला, अपने जाति सूचक शब्दों से उसे बुलाते हैं। तो ये बढ़ते चले गए। बाद में हम लोग जानते हैं कि इससे भी एक लच्छा निकला होगा जो और आगे बढ़ा होगा, तो इस गांव को इन लोग के लिए एक गांव खूट है, तो इस खूट गांव का एक मुखिया होता है, और इसी इन लोग के भाषा में टोला को बोलते हैं किली। क्या बोलेंगे, किली, मतलब गांव से छोटी इकाई है किली, और गांव में एक प्रमुख है, ग्राम प्रमुख। तो इसी गांव में एक खूंट रैयत को अधिकार दिए जाते हैं। तो मुंडाओं में परंपरा से भूमि के अधिभोग का अधिकार, मतलब इस गांव का जो व्यक्ति होगा एक मुखिया, उसे कुछ जमीन दिया जाएगा, और इसी जमीन का नाम होगा खूंट कटी भूमि, और इसको भोग करने वाले को कहेंगे खूंट कटी रैयत। ठीक है, यानी इसका सही आंसर है बी। भूधारा क्या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि हेतु कौन उत्तरदायी अधिकारी है, मतलब अगर जमीन में गांव पर कोई आदमी लगान दे रहा है या गांव का मुखिया ही लगान दे रहा है, चलिए ए ए, तो इसका भूमि के लगान में वृद्धि कौन कर सकता है, डीसी उपायुक्त ऑप्शन बी कहता है, राजस्व पदाधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर एसडीओ, जमींदार और आयुक्त कमिश्नर, कौन इस अधिकार को बढ़ा सकता है, आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है उपायुक्त। हम कई मामलों में बोले हैं कि बिना पढ़े आंख बंद करके याद रखिए, मतलब बिना दिमाग लगाए कि लगान की वृद्धि कौन कर सकता है, उपायुक्त, लगान को कम कौन कर सकता है, उपायुक्त, लगान को माफ कौन कर सकता है, उपायुक्त, मतलब लगान के किसी भी प्रक्रिया में किसी को कोई बदलाव करने का अधिकार नहीं है, सारा का सारा अधिकार उपायुक्त के हाथों में है। ठीक है, कोई आदमी सर्वे कर सकता है, कोई आदमी रिकॉर्ड बना सकता है, लेकिन लगान में कमी करना, लगान को माफ करना, लगान के दर में परिवर्तन करना, ये सारा अधिकार केवल और केवल उपायुक्त को सीएनटी एक्ट में दिया गया है, तो इसको हम लोग को कंठस्थ रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धारा 16, क्या क्वेश्चन है कि धारा 16 के अधीन किसी रैयत को कितने वर्ष के काश्तकारी के उपरांत भूमि का अधिभोग अधिकार सुरक्षित माना जाएगा। देखिए 12 डी 12, ठीक है, राहुल डी, आकांक्षा डी, तिलक चंद्र नायक डी, रेडमी, कम से कम नाम बदल लो, 12। ठीक है, देखिए यहां पर हम आपके साथ चर्चा किए हुए थे पहले ही, क्वेश्चन का सही आंसर वही है, 12 वर्ष ही है। अब इस 12 वर्ष में हम आपको क्या समझाए थे, एक्चुअली हो क्या रहा था कि कोई किसान अगर लगान का भुगतान भी जमींदार को करता था तो वो व्यक्ति उन्हें वहां से ट्रांसफर कर देता था, कोई कारण नहीं था, उनको लगता था कि अगले आदमी से हम नया पट्टा करेंगे और इस पर ज्यादा वसूली कर पाएंगे। तो कई बार ऐसा हुआ कि जमींदार ने किसानों से जमीन छीन तो लिया लेकिन उस जमीन पर किसी प्रकार की कोई खेती नहीं की गई। जब जमींदार उस जमीन पर खेती नहीं की गई तो यह अकाल का स्थिति आया, इसको हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित अकाल, मतलब सिर्फ अकाल इस कारण आए क्योंकि इस दौर में हम लोग देख क्या रहे हैं कि जमीन का आवंटन ही नहीं हुआ, जमीन किसी को मिला ही नहीं पट्टा पर, और जब जमीन मिला नहीं तो अकाल की स्थिति आई। तब अंग्रेजों ने बंगाल काश्तकारी अधिनियम पास किया, आगे चल करके आपको बताएंगे कि इसमें पंजाब काश्तकारी अधिनियम भी आए, अवध काश्तकारी नियम अधिनियम भी आए, हर जगह एक काश्तकारी अधिनियम आया, और काश्तकारी अधिनियम में बात यही कही गई थी कि अगर कोई किसान 12 साल तक जमीन को जोता हो और उसमें निर्धारित लगान का भुगतान किया हो
तो जमींदार के हाथ में ताकत नहीं होगा कि जमींदार उस जमीन को छीन ले। वैसे जमीन को छीनने का अधिकार या वैसे जमीन में लखान दखल बदलने का अधिकार उपायुक्त के हाथों में चला गया। ठीक है, मतलब जमींदारों के मनमानी को कंट्रोल करने के लिए बंगाल टेनेंसी एक्ट, बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसमें साफ साफ प्रोविजन किया गया कि अगर कोई किसान 12 साल जमीन जोते, जमीन का अधिभोग करे और उसमें लगान का भुगतान करे, तो जमींदार के पास ये अधिकार नहीं होंगे कि जमींदार आपके आपके जमीन से आपको बेदखल कर दे। तो इसमें जमींदारों के खिलाफ या रैयतों को दिया गया बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार था। लेकिन एग्जाम का ही बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब अगर मुझे चयन करना हो कि आप पूरे सीएनटी में टॉप 5 क्वेश्चन चयन कीजिए, तो उसमें इसका नंबर जरूर आता है, क्योंकि इसने जमीन के इतिहास को बदल दिया, पूरे जमीन के एक प्रकार से कंडीशन को बदल दिया, आदिवासियों को और बाकी यहां के लोगों को जमींदारों से रक्षा में जितना यह प्रभावी हुआ उतना कोई दूसरा विधान नहीं प्रभावी हुआ। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगर किसी रैयत को भूमि के अधिभोग का अधिकार प्राप्त हो तथा लगान का भुगतान भूमि पर रैयत तालाब निर्माण कर इसमें दूसरे उत्पादन, तालाब में क्या करेगा, मछली उत्पादन करे, तो इसमें भू स्वामी की हिस्सेदारी कितनी होगी। देखिए आंसर आना शुरू हो गया है, देखिए बी 9/20, भू स्वामी का 9/20, भू स्वामी मतलब जमींदार का हिस्सा 9/20 होगा। बी प्रवीण जी 20, संतोष जी बी, प्रमोद सिंह जी बी, राजमणि ऑल्सो बी, ओके गुंजन बी, जी हां ठीक है। अब उत्तर सबको पता चल चुका है, यानी देखो हमने क्या कहा कि किसी भी अगर कोई रैयत है तो इस रैयत के पास 3-4 चीजें हैं। वह जमीन पर खेती कर सकता है, अपनी जमीन पर ईंट या खपड़ा का कारोबार कर सकता है, कुछ अगर पेड़ पौधे हैं तो उनके ऊपर लाह उत्पादन का काम भी वो कर सकता है, अगर उस जमीन पर तालाब बना दे तो मछली पालन का काम कर सकता है, या जमीन पर बाग बगीचा लगा सकता है। अगर उसके द्वारा बाग बगीचा लगाया गया, ठीक है, और या उसके द्वारा मछली पालन किया गया, तो उस स्थिति में उसे कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो 20 केजी में 9 केजी जमींदार का होगा और 11 केजी जो होगा वह किसका होगा, ठीक है, किसान का होगा। कुछ लोग इस डाटा और आंकड़े पर चर्चा करते हैं कि यह 9/21 के मार्फत बिक्री की गई थी, चाहे दिया जाता था, परंतु इसका एडजेक्ट रेशियो 20 में ही विभाजित किया गया है, इसमें 21 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान रखिए कि अगर रैयत और जमींदार दो लोग हैं तो रैयत को मिलेगा 11/20 का हिस्सा उनको मिलेगा, और जमींदार को मिलेगा 9/20। ये डाटा हर समय याद रहना चाहिए, या तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो रैयत वाला पूछेगा या तो जमींदार वाला अनुपात पूछेगा, तो यही दो अनुपात जानना है, बाकी और कोई अनुपात जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अधिभोगी रैयत लगान देय भूमि पर किस प्रकार के वन उत्पाद का अधिकार रखता है। अभी तुरंत हम चर्चा कर रहे थे, आइए आंसर दीजिए, देखते हैं किसका आंसर क्या आता है। डी श्वेता डी, मतलब सर काम ही नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि अमृता का आंसर पता है। चेहरे की बेचैनी बहुत कुछ बातें स्वतः बोल जाती हैं बिना बताए भी। ठीक है, चलो ठीक है, जब आंसर पता होता है तभी चेहरे खिलते हैं, नहीं तो चेहरों पर तो लगता है कि काले काले बादल मंडरा रहे हैं जब उत्तर नहीं पता होता है तो। ठीक है, चलो, तो यहां हम लोग बोल रहे थे अधिभोगी रैयत, मतलब वैसा रैयत जिसके कब्जे में जमीन हो और जमीन के उपयोग का भी अधिकार हो, उस रैयत के द्वारा अपने जमीन पर खेती के अलावे वृक्ष एवं बांस लगाए जा सकते हैं, राइट, फल एवं फूल विकसित किए जा सकते हैं, पुष्पबरी एवं लाह उत्पादन का काम किया जा सकता है, यानी इसका आंसर होगा
सही डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत तीसरे कृषि वर्ष के अंतिम के कितने दिन के पश्चात विगत दो वर्षों का लगान भुगतान न करने पर भू स्वामी अनाधिभोगी रैयत को बेदखल कर सकता है? सी 90 दिन, रोहित 90 दिन, सी 90 दिन। देखो ये ना होता है करिश्मा, जिसको उत्तर पता है वो एकदम आग बबूला है कि एकदम दे ही देना है, आगे पीछे होने का कोई मतलब ही नहीं है, उसको सोचना नहीं है एक मिनट के लिए भी। और अगर उत्तर पता नहीं है तो कितना हो दौड़ते रहिए, कुछ पता नहीं चलने वाला है। चलो ठीक है, इसका सही आंसर है 90 दिन। ठीक है, हम लोग क्या चर्चा किए थे कि मान लो अगर 2020 का साल चल रहा है, हम जमीन जोत रहे हैं, 2021 में भी बकाया लगान नहीं दिए, 2022 में भी बकाया लगान नहीं दिए, तो मेरा जमीन नहीं छीनाएगा। लेकिन 2023 का सत्र शुरू हो गया और इस सत्र में भी 90 दिन का टाइम बीत गया, तो जमींदार हमें जमीन से बेदखल करने के लिए स्वतंत्र है, वो कर सकता है, उसके पास इसका पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तो क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला आंसर भी आप लोग दे दीजिएगा, जिसको पता होगा वो तो दौड़ते हुए देगा, हमें यह भी बात भली भांति पता है। क्या चीज? तो कहता है कि धारा 46 जो है के अंतर्गत अधिभोगी रैयत जो है, धारा 46 के अंतर्गत, धारा 46 के अंतर्गत अधिभोगी रैयत अनुसूचित जनजाति मतलब अगर एसटी है के सदस्य होने पर अगर उपायुक्त उसे परमिशन दे, डीसी परमिशन दे, तो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी को ही जमीन का विक्रय, दान या अंतरण मतलब ट्रांसफर कर सकता है, परंतु इसका क्षेत्राधिकार होगा। मतलब वो कहां तक इसका कर सकता है? देखिए ऑप्शन में क्या आ रहा है, ए थाना क्षेत्र के अंतर्गत, ए राजमणि, बहुत लोगों का आंसर पहले ही ऑटोमेटिक आ चुका है, ए ए ए सभी कोई को पता है। ठीक है, मतलब हम पहले ही बता के रखे हैं आपको कि अगर एसटी का जमीन है तो एसटी खरीदेगा, लेकिन वह एसटी थाना के भीतर का होना चाहिए। एसी का जमीन एसी ही खरीदेगा, लेकिन वह जिला के भीतर का आदमी होना चाहिए। और अगर जमीन की कैटेगरी जनरल है तो कोई किसी को कहीं भी बेचे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मतलब एक आदिवासी दूसरे आदिवासी का जमीन खरीदेगा, लेकिन वह आदिवासी उसके थाना क्षेत्र के भीतर का होना चाहिए। यानी ऑप्शन ए सही है, जो थाना क्षेत्र के भीतर की बात करता है, प्रखंड की बात नहीं है, जिला की बात है, लेकिन एसी के लिए है, एसटी के लिए नहीं है, ग्राम पंचायत का तो बात ही नहीं है। यानी ये तीनों ही उत्तर हमारे कैंसिल हो रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 46 के अंतर्गत कोई अधिभोगी रैयत कितने वर्ष की अवधि तक अपनी भूमि को भूगत बंध बंधक रख सकता है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी इसको बता चुके हैं। आंसर आ रहा है कनक डी 7 वर्ष, अमृता 7 वर्ष, मणि कुमारी डी 7 वर्ष, श्वेता लक्ष्मी 7 वर्ष। जी हां, हम लोग बात किए हैं कि अगर कोई अनुच्छेद 46 के तहत अनाधिभोगी रैयत है तो वह अपनी जमीन को कितने दिन के लिए रेहन रख सकता है। तो उसके द्वारा अधिकतम जो रेहन रखने का टाइम अवधि है वह अवधि है 7 वर्ष। मतलब सीएनटी एक्ट में साफ साफ इस बात को 46 में लिखा गया है कि एसटी का जमीन एसटी खरीदेगा लेकिन थाना के अंदर, एससी का जमीन एससी खरीदेगा लेकिन जिला के अंदर, और फिर हमने आपसे कहा कि जनरल का जमीन कोई भी खरीदेगा, कोई लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन बाद में ये प्रावधान भी हम लोग बोले कि आदिवासी, ऐसा भी नहीं है कि कोई आदिवासी जमीन बेच तो नहीं पा रहा है, लेकिन कोई जनरल उसे 100 साल के लिए रेहन ले ले तो फिर खरीदे चाहे नहीं खरीदे बात बराबर है, कॉन्ट्रैक्टे पर रहने पर उसका लाइफ गुजर जाएगा। तो इसीलिए इसमें लिमिट तय किया गया है कि अगर कोई एसटी जमीन को रेहन भी रह रहा है मतलब भूगत बंध बंधक भी बना रहा है तो उसकी अधिकतम जो टेन्योर होगी, अवधि जो होगी, वह 7 वर्ष की होगी। गुड,
फिर कहता है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत, अनुच्छेद 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 4-5 क्वेश्चन हम लगातार दे रहे हैं और आपको पढ़ाने के समय भी बनाए हैं कि 46 और 71 ये दोनों पेटेंट टॉपिक हैं, यहां से प्रश्न आना ही आना है। सीएनटी से 5 प्रश्न पूछे तो 2 ही अगर आपको धारा पढ़ के जाना हो तो आप एक परिभाषा वाला धारा पढ़ के जाइए, एक 46 पढ़ के जाइए और एक 71 पढ़ के जाइए, इसी से आपका काम हो जाएगा। 46 के अंतर्गत किसी रैयत द्वारा अंतरित, अंतरित का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर की गई भूमि की पुनर्वापसी के लिए कितने वर्ष के भीतर आवेदन देने पर उपायुक्त जमीन को वापसी करा सकता है। चलिए आंसर क्या आ रहा है देखते हैं, डी लगता है, इसमें ज्यादातर आंसर भी डी ही है, 30 वर्ष। ठीक है 30 वर्ष, जयशंकर जी 30 वर्ष, राजमणि पीके प्रवीण जी 30 वर्ष, हाँ ठीक है रेखा 30 वर्ष। कहने का मतलब अब तो तुम लोग रट लिए हो, इतना बार हम बोले हैं, इतना बार बोले हैं पढ़ाने के दौरान कि एकदम पूरा जुबानी तुम लोग को याद है, मतलब एक आंसर पर अगर 35 लोग क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं यानी आपको कंठस्थ हो चुका है, हमें पता है ग्रुप में 30 लोग अगर कंठस्थ कर दे रहे। हमने क्या कहा, अगर कोई एसटी का जमीन है या एसी का जमीन है, हाँ तो एग्जाम वहीं से पूछेगा, अब ये जो सीएनटी हम लोग के पास उसी पर ना हम लोग बात करेंगे। 46 में तो 12 साल दिया, 46 में जो 12 साल की अवधि है वो अलग है, अब चूंकि इसमें संशोधन हो चुका है 1969 कानून के तहत तो वर्तमान में तो कानून हमसे ही नहीं पूछेगा कि कितने वर्ष के अंदर दखल दिलाएंगे, वो थोड़े ना उसमें शर्त लगा के रखा है 1971 से पहले की शर्तें क्या थी, 1971 की बात की शर्तें क्या है। यहां स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि अगर 46 के अंतर्गत किसी रैयत का जमीन ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो एक अगर एसी चाहे कि हमको इस जमीन पर फिर से दखल दिला दीजिए डीसी साहब, तो कितना टाइम के भीतर उनका कंप्लेन स्वीकार किया जाएगा, तो 30 वर्ष, ये कोई छोटा मोटा अवधि नहीं है कि आपके जमीन को कोई ले ले और 30 वर्ष रह ले और 30 वर्ष तक आप डीसी के पास कंप्लेन करें और डीसी आपके जमीन को वापस दिला दे, ये अपने आप में दुनिया के किसी भी कानून की सबसे लंबी अवधि है। 100 से 100 आदमी भी अपने जमीन की देखभाल 30 वर्ष बाद करने नहीं जाएगा, अगर 30 वर्ष से पहले उसके संज्ञान में ना आए ये किसी सरप्राइज से कम नहीं। मतलब इसको 30 वर्ष काहे रखा गया था, पीढ़ी संक्रमण, मतलब अगर हम नहीं रहे तो हमारा बच्चा भी दावा कर सके, 30 वर्ष का मतलब एक जेनरेशन बदल जाता है, तो नेक्स्ट जेनरेशन को ध्यान में रखकर के टाइम तय किया गया जो बहुत दीर्घकाल की अवधि है। ठीक है नेक्स्ट, भूस्वामी किसी काश्तकार द्वारा उचित समय पर लगान भुगतान न करने पर लगान राशि का कितना प्रतिशत अधिकतम ब्याज आरोपित कर सकता है, यह भी क्वेश्चन बताइए। अगर आप किसान हैं, आपने जमीन का लगान का भुगतान नहीं किया है तो अगले वर्ष आपसे लगान वसूला जाएगा, लेकिन उसमें कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाया जा सकता है, सरकार ने इंटरेस्ट रेट भी तय किया था। सी, सबका उत्तर चल रहा है सी, कोमल सी, कनक 6.25%। लेकिन यहां एक क्वेश्चन और था, अगर किसान एक वर्ष के भीतर ही बकाया लगान चुका दे तो उस स्थिति में कितना परसेंट ब्याज होना चाहिए। हाँ तो अगर एक वर्ष के अवधि के भीतर ये लोन अगर लौटाया जा रहा है तो 3% ही इंटरेस्ट होगा, लेकिन अगर एक वर्ष के बाद, चाहे 10 वर्ष बाद लौटाइए चाहे 10 वर्ष के बाद लौटाइए, तो वैसे सिचुएशन में अधिकतम ब्याज दर जो वसूली होगी वो 6.25% वार्षिक है, एनुअल है, मंथली भी नहीं, ठीक है, क्योंकि पहले जमींदार लोग बहुत बड़े पैमाने पर 100% तक वो नहीं देखते थे, अमिताभ बच्चन के पिक्चर में वो मुनीम जी आते थे पान चबाते हुए रजिस्टर लेते हुए, उनका कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज था कि आज तक जो आदमी कर्ज लिया वो कभी उनका मूलधन नहीं लौटा पाया, सूद भी नहीं दे पाया, तो उसी से राहत देने के लिए व्यवस्था लाई गई। धारा 62 के अंतर्गत निर्धारित लगान के अपरिवर्तित रहने की काल अवधि है, कितना साल तक लगान नहीं बदला जाएगा जी, धारा 62 क्या कहता है, आंसर दीजिए। आशा 15 वर्ष चल रहा है, ठीक है 10 वर्ष 30 वर्ष या अनिश्चित अवधि तक, बी या तो 15 लगभग सभी का उत्तर आ गया है, यानी
15 वर्ष के बाद ही एक बार निर्धारित लगान में संशोधन हो सकता है। यहां एक बात और याद रखना, जमींदारी सेटलमेंट को परमानेंट सेटलमेंट कहा गया था। क्यों? इसलिए क्योंकि एक बार लगान जब फिक्स हो गया तो वह लगान दोबारा कभी नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन सीएनटी में एक तरफ अंग्रेजों ने तो दिया परंतु दूसरे तरफ लिया, इसमें कह दिया कि सीएनटी कानून में कि आपके क्षेत्र में 15 वर्ष के बाद लगान की समीक्षा की जा सकती है और जो पूर्व का लगान दर है वो बढ़ाया जा सकता है। तो यहां ध्यान रखना है, जमींदारी बंदोबस्त में लाइफ टाइम के लिए एक ही रेट तय किया गया था। इसीलिए लोग बोलते हैं कि जमींदारी सेटलमेंट में अप्रॉक्स 85% तक लगान की रेट रखी गई थी, जो बाद में घट करके लास्ट में 50% तक आई। ठीक है, तो 85% मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक किसान 100 केजी पैदावार किया और उनमें से 85 केजी लगान दिया और 15% रखा, ये अपने आप में सोचना भी लगान पद्धति का पराकाष्ठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अगर कोई भूस्वामी काश्तकार से निर्धारित लगान के अलावे अतिरिक्त राशि का उद्ग्रहण करे तो भूस्वामी को उपकर वसूली के विरुद्ध क्या दंड आरोपित किया जा सकता है? बोलिए, ऑप्शन को ध्यान से देख करके बोलिएगा क्योंकि इसमें लिख नहीं सकते हैं, ऑप्शन ही चलेगा। कुछ लोग लिख रहे हैं 6 महीने का कारावास या 500 रुपए। सी का ट्रेंड ज्यादा है, सी जयशंकर जी, सी सुमित सी, हाय 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 हाय। डी आंसर सही है, हम जान बुझ के गाल मेल किए हुए थे। ठीक है, कि इस संदर्भ में प्रोविजन क्या है? तो प्रोविजन है कि आदमी को 6 महीने की कारावास हो सकती है, दूसरा 1 वर्ष का कारावास या 500 रुपए जुर्माना, तीसरा ऑप्शन है 6 महीने कारावास या 500 रुपए, और चौथा कहता है कि 6 महीने का कारावास या 500 या दोनों। तो धारा में जो बातें हैं उसका सही आंसर है डी। हम जान रहे थे कि जब आप लोग सी पर आपकी नजर जाएगी तो आप बेकाबू हो जाएंगे, आपको नहीं काबू में रहिएगा कि आप कहां टिकना है, आप धड़ाधड़ उत्तर की ओर जाइएगा। इसी तरह के प्रश्न पर एक कमेंट हम बोलते भी हैं कि जब पॉलिटी पढ़ाए थे कि कितना लोग जब देखते हैं ना कि हाँ कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई कितना है, तो लोगों को रटा हुआ है 3:2। अगर क्वेश्चन घुमा के दे दे कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है तो पढ़े ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन देख के ही उत्तर मराता है। तो वही प्रश्न यहाँ पर भी आया, हम जान बुझ के जान रहे थे कि ये क्वेश्चन जरूर आप लोग को थोड़ा सा परेशान करेगा। मतलब इसका सही उत्तर है डी, 6 महीने का कारावास या 500 रुपए जुर्माना या दोनों, इसके प्रोविजन में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपायुक्त के आदेश पर किसी काश्तकार द्वारा कोड़कर भूमि का निर्माण किया जाता है तो कुछ वर्षों के पश्चात इस भूमि पर लगान की दर क्या होगी? सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। यह भी क्वेश्चन इतना सरल नहीं है जितना आप आसानी से देख रहे हैं। ये देखिए आंसर आने में कितना लेट हुआ, बी सुमित ने लिखा है, सी गुड, डी प्रमोद सिन्हा जी गए हैं, बी मधुचंद्रा, सी तिलक चंद्र नायक जी गुड, रोहित कुमार सी, नवल जी डी। हम बोले हैं कि अभी आगे जाएंगे तो क्वेश्चन का रेंज बढ़ने वाला है, ठीक है, और अब वो असर दिख रहा है, आंसर बटना शुरू हो गया, डी जयशंकर प्रमाणिक जी। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उपायुक्त के आदेश पर किसी काश्तकार के द्वारा कोड़कर भूमि का निर्माण किया जाता है। कोड़कर के मतलब आपको हम बताए हैं कि गांव का जमीन हो, परती जमीन हो, तो उसे कोड़ करके समतल बनाना, काटना। तो उस स्थिति में ऑप्शन ए कहता है सामान्य भूमि की तरह लगान का निर्धारण किया जाएगा, मतलब उसके लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं है। बी 5 वर्ष की अवधि तक ऐसी भूमि पर किसी प्रकार के लगान नहीं लगाए जाएंगे, मतलब अधिरोपण नहीं होगा। सी सामान्य आगे चुपचाप रहेगा अभी, सी सामान्य भूमि का आधा या किसी तृतीय वर्ग के धनहर भूमि के प्रचलित दर का आधा लगान का निर्धारण किया जाएगा, और डी बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर है डी। हाँ,
कोड़कर भूमि के संदर्भ में प्रोविजन है कि शुरू के 5 वर्ष तक जो आदमी जमीन को विकसित करेगा उस पर लगान नहीं लिया जाएगा, और 5 वर्ष के बाद लगान लिया जाएगा, लेकिन वह लगान सामान्य भूमि का या तो आधा होगा या तो तृतीय वर्ग की जो धनहर भूमि है उसमें प्रचलित दर का आधा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, शुरू की 5 वर्ष की अवधि तक, ठीक है, 5वें कृषि वर्ष के अंदर है। हाँ ठीक है, तो भी उस स्थिति में भी आपका ऑप्शन कौन बनता है ये बताइए हमें। अगर आप उसको छोड़ दें कि नहीं एक साल का फर्क चल रहा है तो संभावित उत्तर चुनना है, किसको चुनिएगा? तो भी आंसर डी है, कान ऐसे छुए चाहे ऐसे छुए, आंसर तो डी ही होना है। चलिए अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सीएनटी एक्ट के तहत कोई एसटी का सदस्य अपनी भूमि का अंतरण करता है, अंतरण का मतलब हम बताएं अंग्रेजी ट्रांसफर करता है, तो वह स्वयं या उसका वारिस कितने वर्ष के भीतर उपायुक्त के पास आवेदन प्रस्तुत करे तो इसे स्वीकार्य माना जाएगा? 30 वर्ष। इस क्वेश्चन का केवल पैटर्न बदला हुआ है, इसका सही उत्तर है 30 वर्ष, मतलब उपायुक्त चाहे तो 30 वर्ष के भीतर दखल दिला दे, चाहे 30 वर्ष के भीतर के अपील को स्वीकार करे, या अपील करता चाहे तो 30 वर्ष के भीतर अपील कर दे, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए एसआर अदालतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत और कब किया गया? ध्यान से पढ़िए इसको और उसके बाद आंसर दीजिए। अनुच्छेद 46 के तहत 1969 में, अनुच्छेद 246 के तहत 2016 में, अनुच्छेद 13 के तहत 1908 में, और अनुच्छेद 71 क के तहत 1972 में। क्या ऑप्शन आ रहा है? डी सी सर, सी ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन होगा सर सी। चलिए आगे बढ़िए, सबका आंसर है 1972, ठीक है, इसका सही उत्तर डी है, और धारा हाँ 71 क में जो बिहार वाला एक्ट आया था शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 के तहत धारा 71 में क्लाउज जोड़ा गया 71 क, और आदिवासी जमीनों के विवादों के निपटारे के लिए एक विशेष अदालत बना जिसे हम लोग एसआर अदालत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, सीएनटी एक्ट की धारा 71 ख के तहत अगर भूमि अंतरण प्रक्रिया में अंतरक दोषी पाया जाए तो उसे कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? मतलब सीएनटी एक्ट की धारा 71 ख में अगर भूमि का अंतरण का मतलब ट्रांसफर प्रक्रिया में अंतरक मतलब जो व्यक्ति खरीदा है, ठीक है, दोषी पाया जाए तो उसे कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? क्या आंसर होगा बोलिए? क्या चीज? 29 का आंसर आ रहा है, बी 3 वर्ष, ठीक है इसका उत्तर, हाँ 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है अगर अंतरक दोषी पाया जाए उस स्थिति में। नेक्स्ट कहता है राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी के माध्यम से भूमि का अधिकार अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड तैयार करा सकती है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? चलिए अब कुछ कुछ बोले ना कि अब क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होगा। सी किसी ने कहा, अनुच्छेद 80 होगा। इसका सही उत्तर अनुच्छेद सी ही है, क्योंकि अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्य सरकार किसी राजस्व पदाधिकारी की नियुक्ति करेगा और यह जो पदाधिकारी है वह क्या करेगा, भूमि से संबंधित नया रिकॉर्ड तैयार कर सकता है। गुड, नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सरकार द्वारा नामित राजस्व अधिकारी किसी अधिकार अभिलेख का पुनरीक्षण कितने महीनों के भीतर कर सकता है?
राज्य सरकार द्वारा नामित राजस्व पदाधिकारी किसी अधिकार अभिलेख, मतलब उसने जो रिकॉर्ड तैयार किया है उस रिकॉर्ड का परीक्षण। चलिए सब कोई जा रहा है, सबका आंसर हम देख रहे हैं, कुछ लोग 6 महीने, कुछ लोग 12 महीने। हम बोले ना कि आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा तो दिक्कत आएगा। संतोष जी 12, मनी कुमारी डी, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग दे रहे हैं। 31 का सही आंसर है, सही आंसर है 12 महीना। ध्यान से नोट्स देख चुके हैं, हमें तो नहीं लग रहा है कि 12 वाला आंसर सही होने जा रहा है। 12 नहीं है। यह इसका आंसर होगा 3 महीने। ठीक है, जी हाँ, राजस्व अधिकारी अपने अधिकार अभिलेख का रिव्यू कर सकता है 3 महीने में। 6 महीने तक इसे कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है, और 6 महीने बाद जो आपत्ति दराज करेंगे उसे महीने भर में सुधार करेगा और दोबारा प्रकाशन करेगा। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सावधानी से उत्तर दीजिए, वो वाला लाइन अब गया। देखिए आर्टिकल 32, अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन उपरांत भूमि संबंधी विवाद पर कितने महीने तक कोई किसान उपायुक्त न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता। मतलब अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के उपरांत कितना समय बीत जाने के बाद अगर रिकॉर्ड में कोई दिक्कत हो तो लोग कर सकते हैं। सी 6 महीने, ट्रेंड सेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में है आप, सी 6 महीने। ठीक है, 6 महीने तक कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा। 33, जब किसी भूस्वामी द्वारा किसी अभिधारी को 1 वर्ष से कम अवधि हेतु मौखिक पट्टे पर भूमि दी जाती है तो यह भूमि क्या कहलाती है, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, मतलब अगर कोई जमींदार के द्वारा कोई जमीन पड़ा हुआ था 1 साल तक की अवधि के लिए, उसे पट्टा पर दिया गया ओरली, कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं हुआ है उस जमीन के ऊपर, तो ऐसी भूमि को हम क्या कहेंगे, मझियस भूमि, खुटकटी भूमि, राजहंस भूमि या विशेषाधिकार युक्त भूमि। तो इसका सही उत्तर होगा सी, विशेषाधिकार युक्त भूमि। 34, सीएनटी एक्ट के तहत दाखिल किसी वाद में सुनवाई के दौरान रूढ़ी या रीति के तहत महिला सदस्य की उपस्थिति में अनिवार्यता समाप्त की जा सकती है। कहने का मतलब केस की हियरिंग चल रही है उपायुक्त की अदालत में, और कोई मान्यता है कि हमारे घर की महिला कोर्ट नहीं जा सकती है, अगर कोई ऐसी रूढ़ी या परंपरा है तो महिला को वहां जाने से छूट दिया जा सकता है, लेकिन यह प्रावधान किस धारा में किया गया है इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, क्या दे रहे हैं आप लोग, D160। गुड, सही आंसर है, धारा 160 में प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई स्थानीय परंपरा हो जिस परंपरा में महिला को शामिल होना न वैध माना जाए तो न जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी रैयत, ठीक है, को किसी पट्टी या डिक्री मिले तो किस समय अवधि के द्वारा भूस्वामी द्वारा पट्टा निर्गमन नहीं करने पर उपायुक्त अपने हस्ताक्षर से मुहर या पट्टा दे सकता है। मतलब जमीन का एग्रीमेंट हमसे तय हो गया है, उपायुक्त के यहां से परमिशन मिल गया है, लेकिन हमें रसीद चाहिए कि हमें मिला है कि नहीं मिला है, तो कितने महीने तक अगर जमींदार ने आपको जीरोक्स कॉपी उपलब्ध नहीं कराया जमीन का तो आप खुद से जाकर कर सकते हैं। 3 महीने। इसका जी हाँ, सबका उत्तर लगभग लगभग सही है, इसका सही उत्तर है 3 महीने ही है। धारा 186 के अंतर्गत अगर किसी काश्तकार के खिलाफ कुर्की का आदेश निर्गत किया गया हो तो कौन सी सामग्री का कुर्की नहीं किया जाएगा, एक क्वेश्चन कल ही डिस्कस में था, आज आ भी गया, ध्यान से देखिएगा, इसमें विकल्प थोड़ा आपको चॉइस ज्यादा दिए गए हैं। ये देखिए धारा 36 कहता है, ए भवन सामग्री, दूसरा मवेशी एवं बीज सामग्री, तीसरा वस्त्र एवं बिस्तर, चौथा कृषि उपकरण एवं औजार, और पांचवा लेखा। ऑप्शन एक में कहता है केवल 1 एवं 2, सिर्फ इसको इसको।
एक कहता है तीन एवं चार, और एक सी कहता है कि एक चार और दो का नहीं होगा, और डी कहता है उपरोक्त सभी का नहीं होगा, किसकी कुर्की नहीं होगी? आंसर रंजिता डी 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 डी, ठीक आंसर है डी। मतलब कुर्की क्या होती है? कुर्की होती है कि तुम्हारे घर में जाएं, तुम लगान नहीं चुकाई हो, लगान वसूली करना है, तेरा मवेशी उठा के ले आए, तेरा खपड़ा उठा के ले आए, तेरे घर में सोना चांदी है उसको उठा के ले आए, गहना ज्वेलरी को उठा के ले आए, कुछ भी चीज किया जा सकता है, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं, यानी एक क्वेश्चन भी। चलिए आपका सही उत्तर था उपरोक्त सभी चीजें। नेक्स्ट कहता है धारा 191 के तहत निर्णित ऋणी को 50 रुपए तक के केस में गिरफ्तार किया गया है तो उसे अधिकतम कितने महीने का जेल हो सकता है? तो उसे 6 महीने का जेल हो सकता है। हम लोग इसको क्या पढ़े हैं कि अगर 50 रुपया तक दंड लगा है तो 6 महीना जेल काट लिए तो अब आगे कोई सजा नहीं होगी, 50 से अधिक रुपया का दंड हुआ है तो 6 महीना का जेल काटने के बाद भी आपको उसको भरना ही होगा। अगर नहीं भरिएगा तो आपके घर की कुर्की जब्ती करके उसकी नीलामी करके और उसे हासिल किया जाएगा। तो इसमें जेल की सजा हो सकती है आपको 6 माह। अब यहां एक चीज और बताओ जी, 6 माह है या 6 सप्ताह है? छह महीने तक का जेल होगा या 6 सप्ताह तक का जेल होगा? 6 माह है सर, 6 माह, 50 से कम रहने पर 6 सप्ताह, 50 से कम होने पर। जी हाँ, 6 माह ही आंसर है। चलिए छह माह लेकिन नहीं था, ठीक है? 50 से कम है सर। जी हाँ, इसमें इसका आंसर होगा डी, ठीक है? याद रखिएगा 37 का जो आंसर होगा वह डी होगा, ठीक है? क्योंकि हम ध्यान में था इसका आंसर अगर सप्ताह में होता तो राइट, अगर 50 रुपए से कम तक का प्रोविजन है तो इतना ही जेल की सजा है। बोल रहे कि बहुत नाजुक कब क्वेश्चन आ रहे हैं, इन क्वेश्चनों पर थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि विकल्प ही प्रश्न को कठिन बनाते हैं और कोई दूसरा नहीं बनाता है, ठीक है? नेक्स्ट कहता है धारा 208 के अंतर्गत काश्तकार के लगान बकाया की स्थिति में अगर किसी एसटी के रैयत की जोत का विक्रय किया गया हो तो ऐसी स्थिति में अंतरिति कौन होगा, मतलब खरीदार कौन होगा? मतलब एसटी का जमीन है, लगान नहीं देने के कारण उनके जमीन को सील कर लिया गया है और अब उसको देना है तो किसे दिया जाएगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है? ऐसी स्थिति में यह जमीन उसके एसटी को ही दिया जाएगा, यहां कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक? देखिए कहता है, हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे कि धारा 208 के अंतर्गत काश्तकार के लगान बकाए की स्थिति में अगर किसी एसटी रैयत की जोत का बिक्री हुआ हो, किया जा रहा हो, मतलब बिक्री नहीं कहिए कि नीलामी किया जा रहा हो, तो नीलामी में भी कौन भाग लेगा? तो एसटी के जमीन को दूसरा एसटी मेंबर ही खरीद सकता है, न तो एसी खरीद सकता है, न तो उस थाना का कोई दूसरा आदमी खरीद सकता है, उसके खरीदने का राइट सिर्फ और सिर्फ एसटी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी डिक्री के निष्पादन में अस्थावर संपत्ति की बिक्री की गई हो एवं विक्रय की गई संपत्ति पर कोई अन्य पक्ष दावा करे तो अन्य पक्ष कितने दिन के भीतर उपायुक्त को डिग्री अपास्त रद्द करने का आवेदन कर सकेगा? कहने का मतलब यहां प्रश्न यह है कि मैंने लगान नहीं भरा था, लगान की वसूली के लिए मेरी जमीन छीन करके विक्रय कर दी गई, बाद में किसी ने क्लेम कर दिया कि जो व्यक्ति का विक्रय किया उसका तो जमीन था ही नहीं, तो थर्ड पार्टी जो है उसको रद्द करने का जो आवेदन देगा उसकी काल अवधि कितनी दिन होगी? 15 दिन, 60 दिन, 30 दिन और 90 दिन। सबका उत्तर एक ही धारा में बहता चला जा रहा है। वैभव भारती जी बोल रहे हैं कि 90 दिन होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर जो है
वह 90 दिन ही है। ठीक है कि आप अगर थर्ड पार्टी को क्लेम है, मेरा जमीन बिका सरकार ने बेचा, थर्ड पार्टी क्या क्लेम करेगा कि जिसकी जमीन बेची गई वो उसका जमीन था ही नहीं, उसका संपत्ति ही नहीं था, वो मेरा संपत्ति था। तो आप 90 दिन के अंदर क्लेम कीजिए कि जो आदेश है उपायुक्त का वे रद्द कर दें और इस पर नए सिरे से वे विचार कर लें। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उपायुक्त द्वारा निर्गत किए गए किसी आदेश की रकम 100 रुपए से अधिक और 5000 रुपए से कम हो तो इस निर्णय को किस अदालत में चुनौती दी जाएगी। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, न्यायिक राजस्व पदाधिकारी की अदालत में, न्यायिक उपायुक्त की अदालत में, राज्य से संबंधित हाई कोर्ट में या न्यायिक आयुक्त की अदालत में। क्या आंसर चल रहा है जी, बी और डी में लोग बटे हुए हैं। अमृता कह रही है डी, रेखा जी डी, कनक जी का आंसर है बी, मतलब बी और डी का झगड़ा है। ठीक है इस संदर्भ में आप लोग को क्या क्लियरेंस दें, हम आपको बताए हैं कि 100 रुपए से कम लेस देन या 100 रुपए तक तो डीसी, ठीक है 100 प्लस से लेकर 5000 तक आयुक्त कमिश्नर, और 5000 से अधिक के मामले सीधे हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट। ठीक है यही ना आपको अभ्यास करवाया था, ठीक है कि न्यायिक राजस्व अधिकारी की अदालत इसमें तो कोई जाता ही नहीं है, न्यायिक उपायुक्त के पास जाएगा लेकिन 100 रुपए से कम का, राज्य हाई कोर्ट में जाएगा 5000 से अधिक का, और न्यायिक आयुक्त 101 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के मामलों पर अपीलीय जस्टिस कर सकता है। ठीक है 40 के बाद आगे बढ़िए और हम लोग चर्चा कर लेते हैं 41। धारा 241 के अंतर्गत मुंडारी खुटकटीदारी भूमि, कल इसके लिए हम अध्याय 18 बता रहे थे बार बार, भूमि का अधिग्रहण किन प्रयोजन के लिए वैध हो सकता है, किसके लिए अधिग्रहण किया जाए तो वैध हो सकता है। यहां थोड़ा सा अंतर है, वो वाला बुद्धि मत लगाइएगा कि खनन और उद्योग के लिए ही जमीन लिया जाएगा और किसी के लिए लिया जा सकता है, अगर पढ़े होंगे तो उत्तर दीजिए। कहता है नंबर एक खैरात के लिए, दूसरा धार्मिक एवं शैक्षणिक प्रयोजन के लिए, तीसरा सिंचाई के लिए, और चौथा वहां तक जाने के उचित मार्ग के लिए। कौन सा सही कूट है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 एवं 4 सही है, केवल 3 सही है, या डी? क्या आंसर आ रहा है? डी डी डी, सबका आंसर जा रहा है डी, यानी हम मान लें कि 41 का आंसर डी ही होगा। जी हाँ, यहां यही याद रखिएगा कि सीएनटी का जमीन स्पेशलाइज जो है वह शैक्षणिक प्रयोजन के लिए नहीं अधिग्रहण हो सकता है, लेकिन मुंडारी खुटकटीदारी भूमि में ऐसा प्रयोजन दिया गया है, ठीक है कि वहां तक जाने वाले सड़क मार्ग के लिए ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर निर्णित ऋणी के काश्तकार की संपत्ति की नीलामी हो रहा हो, ठीक है मतलब डिसीजन हो गया कि हम पर लगान बकाया है 500 रुपए, अब हमारी वसूली के लिए हमारा संपत्ति जब्त करके नीलाम किया जा रहा है, बिक्री किया जा रहा है, निर्णित ऋणी मतलब जिसको सजा हो गई हो, चाहे जिसकी घोषणा हो गई हो, निर्णय हो चुका हो, तो निर्णित ऋणी के काश्तकार की संपत्ति की नीलामी हो तो वारंट निष्पादन अधिकारी, मतलब जो अधिकारी वारंट निष्पादन करेगा सो, और उसके अधीन कोई कर्मचारी काम कर रहा हो वह, ये दोनों इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 220। क्वेश्चन नंबर 42, इसका सही आंसर है क्या होगा जी? 202, 220 बी आंसर है, इसमें प्रोविजन है। यस 43 क्वेश्चन नंबर, यहां से क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा बदलाव है। देखिए झारखंड में भूमि संबंधित कानूनों में कौन सा जोड़ा असुमेलित है, पूछ रहा है, देखिए क्या आंसर आता है, अब हम देखेंगे, इंतजार करेंगे थोड़ा सा, गौर से देखिए। पहला कहता है छोटनागपुर भू धृति अधिनियम, छोटनागपुर टेन्योर्स एक्ट 1879, फिर बोलता है छोटनागपुर भू स्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम 1908, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1903, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897,
राहुल कुमार का आंसर आया है डी, सही आंसर है। वैभव भारती जी ऑल्सो डी, बुलबुल डी, दीपा डी, ठीक है। तो इसका सही आंसर का जोड़ा क्या होगा, छोटनागपुर टेन्योर सेक्ट, इसका सही होगा 1869। छोटनागपुर भू स्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम, इसका सही उत्तर क्या होगा 1879। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, और ये सही ऑलरेडी है, इसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम के उद्भव के कारणों के संदर्भ में अब विचार कीजिए कि सीएनटी एक्ट क्यों लाया गया, इसके पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेवार थे। पहला ऑप्शन है बैठ बिगारी प्रथा, दूसरा ऑप्शन है जंगल उत्पाद उपभोग पर प्रतिबंध, तीसरा ऑप्शन है जमींदारी बंदोबस्त, चौथा ऑप्शन है कुल विद्रोह, और पांचवा ऑप्शन है आदिवासी जमीनियों का ट्रांसफर होना, हस्तांतरण। क्या आंसर होगा सर? ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है, वैभव भारती जी का स्क्रीन शेयर है, हम समझ रहे हैं, इसको हम रोक रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसी विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है, केवल एक, ठीक है। आप लोग अपना थोड़ा सा म्यूट रखें, ठीक है, तभी ना आपको यहां का स्क्रीन क्लियर दिखाई देगा। हाँ, आप लोग बीच बीच में अगर बोलेंगे इसीलिए नहीं ऑप्शन, चलिए ठीक है। देखो अब आ गया होगा स्क्रीन, ठीक है। कहता है कि छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम के उद्भव के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए, पहला बैठ बेगारी प्रथा, दूसरा जंगल उत्पाद उपभोग पर प्रतिबंध, तीसरा जमींदारी बंदोबस्त, चौथा कोल विद्रोह, और पांचवा आदिवासी जमीनों का हस्तांतरण। सही विकल्प क्या है, केवल एक एवं दो, मतलब बैठ बिगारी और जंगल उत्पाद पर अधिकार के चलते ऐसा हुआ। एक दो पांच, बैठ बिगाड़ी, जंगल उत्पाद एवं आदिवासी जमीन के हस्तांतरण के कारण इस कानून को लाना पड़ा, ठीक है, या केवल पांच आदिवासी जमीनों के हस्तांतरण के कारण यह कानून आया, या उपरोक्त सभी। क्या आंसर देंगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 44 डी, सभी। वैभव भारती जी बोल रहे हैं, तिलक चंद्र नायक जी डी, ठीक है। वैसे देखिए उपरोक्त सभी नहीं होता तो आपको ध्यान में रखिए, अगर इसमें और कोई विकल्प दिया हुआ होता और उसमें अगर कट करना होता तो आप जमींदारी बंदोबस्त को कट कर सकते थे और कोल विद्रोह को कट कर सकते थे, ठीक है, अगर विकल्प ही चारों होते तो। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों कानून भी इनडायरेक्ट वे में इसके लिए जिम्मेवार थे, ठीक है, इसीलिए इस ऑप्शन में आप डी को सही कर सकते हैं। लेकिन रियल में जो यह हुआ जमींदारी बंदोबस्त से अगर यह परेशानी थी तो बंगाल में भी सीएनटी एक्ट आना चाहिए था, इसलिए वो प्रत्यक्ष कारण नहीं है। कोल विद्रोह के नायक जो थे बुद्ध भगत, उसका इंपैक्ट कोल्हान क्षेत्र में ज्यादा था, जिसके लिए विल्किंसन रूलोग्रह कानून बने थे, सीएनटी नहीं। सीएनटी का प्रेरक विद्रोह सिर्फ एक है और बिरसा मुंडा का उलगुलान को माना जाता है, ठीक है। तो ये दो विद्रोहों को आप हटा सकते हैं, यानी यहां पर पिक्चर में ट्विस्ट है, ऑप्शन बी भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी हो सकता है। फिलहाल इस ऑप्शन में डी सबसे इंपॉर्टेंट है, अब एग्जाम में अगर बी दे देगा तो लड़ने की जरूरत नहीं है, उसकी मर्जी, ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, परंतु इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यह भी क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको भी देखिए क्या कहता है। पहला भूत खेता या डाली कटारी भूमि, इसका उपयोग कौन करता था सीएनटी के तहत, पाहन। महतोई भूमि का उपयोग दिसोम गुरु करते थे, शिबू सोरेन केवल नहीं,
ठीक है, संथाली व्यवस्था में ऐसे ही नाम आते थे। मझियस ग्राम स्वत्वधारियों के लिए आरक्षित था। बटखेता मझियस जमीन के पारिश्रमिक के लिए आरक्षित भूमि थी। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं डी सी, बुलबुल डी सी, ऐसा कहना है पीके जी का डी। कुछ लोग डी के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन डी सही उत्तर नहीं है। ठीक है, यहां ध्यान रखिए। देखिए बाकी चीजें क्या थी ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानना है वो जानिए कि भूत खेता एवं डाली कटारी जो भूमि होती थी ये पाहन को दी जाती थी, ये सही उत्तर है। महतोई भूमि महतो को दी जाती थी। जो ग्राम प्रमुख होते थे ना महतो, तो महतो को जो भूमि दी गई वह महतोई भूमि कहलाती थी। ठीक है, यहीं पर इसका आंसर सही हो गया था, कौन सुमेलित नहीं है। मझियस गांव में जो स्वतंत्र रूप से जमीन का उपयोग एवं उपभोग कर रहे थे, स्वत्वधारी जिनका अपना जमीन था और अपने जमीन पर काम कर रहे थे, जिसका रखालदास सर्वे वगैरह ने जाके रखालदास धर ने सर्वे वगैरह किया। और बटखेता यह मझियस भूमि मतलब गांव में जो स्वत्वधारी लोग होते थे, कहने का मतलब कि मैं गांव में हूं मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, तो हमारे अंडर में जो लोग खेती करते थे मतलब मेहनत करते थे उनको अपने खेती के बदले कुछ जमीन दे दिए हम कि जाइए आप इसको जोत कोड़ लीजिए और इसका फसल रख लीजिएगा, तो हमारे घर में जो मेहनत किए उनको वो भूमि का आवंटन किया जाता था, इसीलिए उस भूमि का नाम जो है सो बटखेता भूमि के तौर पर जाना गया। ठीक है, यानी बटखेता भूमि किसको बोलते थे, जैसे एक मिनट, ठीक है जयशंकर जी उसको काटिए, नेटवर्क सबको कोई परेशान कर रहा है, हम भी परेशान हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप बीच में बोलेंगे तो स्क्रीन बदल जाएगा, ठीक है, इसीलिए बोलिए नहीं, आपके कष्ट को हम समझते हैं, मेरे पास भी दिल है, बड़ा बड़ा दिल है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, लेकिन उस दिल का कोई समाधान नहीं है, दिल रूठ जा रहा है तो रूठा ही रहेगा, उसको क्या किया जाए। तो यहां पर आपको पिछले प्रश्न का उत्तर यही था कि बटखेता भूमि उसको बोलते हैं, जैसे हम लोग गांव में इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं आसामी, गांव में जो लोग आसामी बसाते हैं तो आसामी लोग को कुछ जमीन दिया जाता था कि आप इसको जोतिए कोड़िए, तो उसी खेती को बटखेता कहते थे। तो तीनों ऑप्शन सही थे, केवल महतो और महतोई वाला ऑप्शन सही नहीं था। सीएनटी एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं हैं जो संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल की गई है, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हल कीजिए, स्क्रीन आपके सामने है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए नहीं बल्कि कॉलम ए में है धारा 46 47 48, बी कहता है 16 एवं 21, तीन ऑप्शन में है कि धारा 71 क एवं ख, चार में कहता है धारा 220 एवं 271, और पांच में कहता है धारा 240 241 और 242। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है, केवल एक मतलब 46 47 48 ही नवीं अनुसूची में है, केवल एक 3 5 मतलब ए बोलता है कि ए ए और ए हैं, ठीक है, और केवल तीन मतलब केवल 240 41 है, या उपरोक्त सभी की सभी धाराएं हैं। बी का लोग आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, 1 3 और 5 सभी का आंसर अभी बी ही जा रहा है, संतोष जी भी बोल रहे हैं कि बी है, कनक का भी आंसर बी है, जी हाँ इसका आंसर बी है, हम कल ही इसकी चर्चा किए थे, 46 47 48 तीन, 240 41 42 छः और 71, 7 ऐसी धाराएं हैं जो नौवीं अनुसूची में जुड़ी गई हैं। नौवीं अनुसूची में क्या है, संविधान में प्रथम संशोधन करके 1951 में नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया था।
ठीक है। और उसमें कहा गया था कि जो कानून बनाकर नवीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा वह कानून न्यायपालिका के दायरे से बाहर होगा, ठीक ना। तो हम लोग इसको यहां से हटाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी है, केवल 1, 3 और 5। फिर 47, निम्नलिखित अधिकारियों के नामों पर विचार करें, केवल 3 क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिएगा, निम्न अधिकारियों के नामों पर विचार करें, कैप्टन ग्रे, कमिश्नर ग्रिमली एंड स्लेक, कैप्टन रफसेज एंड कैमर और फादर हॉफमैन एंड लिस्टर, निम्न में से किसकी भूमिका सीएनटी एक्ट के निर्माण में प्रमुखता से नहीं थी। उत्तर बढ़ाया जाए स्क्रीन के ऊपर ताकि हम देख सकें कि कौन लोग हैं। देखिए कैसे आप लोग शांत होकर के बैठ गए, सीएनटी जब जाता है तो खामोशी छा जाता है। चलिए आंसर बढ़ाइए, एनीवन, कोई भी, बी होगा सर, बी। मधु चंद्रा जी कह रहे हैं, स्नेहा पासवान को भी लगता है कि बी आंसर ही सही होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इसमें ऑप्शन है कि इसका सही आंसर कोई दिया या नहीं दिया, अभी तक तो बी ही जा रहा है। किसी ने लिखा है डी, सुमित का आंसर है डी, चलिए सूरज ए, चलो ठीक है, इसका सही आंसर सुमित के द्वारा ही आया है डी, ठीक है। केवल 3, कैप्टन रफसेज और लॉर्ड कैमक का नाम 2 कारणों से जुड़ा हुआ है। जैकब कैमक ने पलामू, रांची, रामगढ़ जीत करके रामगढ़ जिला बनाया था, समझ गए बात को, और कैप्टन रफसेज रोरो के युद्ध में हो जनजाति को हराए थे और धनबाद जीते थे, मानभूम से वंश से जीते थे। बाकी के सारे अधिकारियों के नाम कहीं न कहीं सीएनटी के सर्वे में और उसके प्रयास में जुड़ा हुआ है, इसीलिए किसकी भूमिका नहीं थी। बोले ना कि आगे बढ़िए ना, औकात पता चलेगा, अभी उतना आसानी से थोड़े ना टॉपिक खत्म हुआ है, अभी थोड़ा बचा हुआ है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, अब 47 के बाद 48, आपको भी मन कर रहा होगा कि जल्दी खत्म हो जाता तो ठीक है, तो लास्ट में हम लोग आपके कलेजे पर ठंडक देने के लिए छोटे छोटे प्रश्न रखे हैं, ताकि हम जान रहे थे कि अब आप थोड़ा थोड़ा नींद आने लगेगा आपको सीएनटी पढ़ते पढ़ते, ठीक है। देखो 1908 से 2020 तक सीएनटी एक्ट में कितने संशोधन किए गए हैं, इसका आंसर देखना एकदम बमबारी टाइप से आएगा स्क्रीन के ऊपर, सी 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 सी, यानी कुल संशोधन 41 हुए हैं, 26 हुए हैं, 20 हुए हैं, कितने हुए हैं, 26 हुए हैं, 26 हुए हैं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के लागू होने के पीछे मुख्य प्रेरक घटना कौन थी, हुल आंदोलन, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, कोल विद्रोह बुद्ध भगत, उल गुलान बिरसा मुंडा, रोरो का युद्ध। देखिए क्या आंसर आ रहा है, इसमें बिरसा मुंडा विद्रोह का उल्लेख नहीं है कहीं भी, ध्यान रखिएगा, दरअसल बिरसा मुंडा विद्रोह को ही जो है उल गुलाम कहा जाता है, यानी इसका सही आंसर है सी। लास्ट में अंत इतना सुखद होगा ये आपको भी नहीं पता है, लेकिन एकदम सुखद अंत हम लेकर के आए हैं, क्या, सीएनटी एक्ट से प्रभावित राज्य में कितने जिले हैं, 18 जिले सर। आनंद पूर्वक अंतिम में हमने सोचा था कि आपको रोने की जरूरत नहीं है, एकदम हंसते मुस्कुराते इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, और आज की कक्षाओं का यहीं पर हम समापन करेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट के बाद फिर हम अभी आप लोग से बात कर रहे हैं, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिएगा, ठीक है। इस तरह कुछ नहीं है, जो था सो वहीं पर था। तो इस प्रकार हम लोगों का सीएनटी का ये 50 प्रश्न महत्वपूर्ण है, अगर आप ये 50 प्रश्न पढ़ लिए तो समझिए कि आपका पूरा का पूरा सीएनटी कंप्लीट है। इन 50 प्रश्नों को 2 बार 3 बार बनाइए, लेक्चर को 2-3 बार सुनिए, आपके सभी प्रश्नों का हल मिल जाएगा। आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।